हाय एवरीवन, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इससे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए दोस्तों हम लोग आज एवरेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 40 संख्या का औसत 40 है, 40 संख्या है जिसका औसत 40 है, और अगला भी दिया हुआ है 60 संख्या है जिसका औसत 60 है, तो टोटल 100 संख्या का औसत क्या होगा। टोटल 100 संख्या का औसत क्या है, ऑप्शन है 52, 60, 55 या 50। तो सही ऑप्शन कौन होगा, इसे जांच देखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। और ये मैथ प्रैक्टिस सीट का बैच चल रहा है, जिसमें प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। संख्या कितना दिया हुआ है, 40। संख्या दिया हुआ है 40, जिसका औसत भी है 40, औसत भी है आपका 40, ठीक है दोस्तों। तो इसका योग निकाल लेते हैं। आपको पता होगा ये फॉर्मूला, औसत बराबर टोटल का योग बटा टोटल संख्या होता है। अगर योग निकालना है तो ये संख्या उस तरफ चला जाएगा, यानी कि औसत गुना संख्या होगा। बस मान पुट कर दीजिए, योग का मान निकल जाएगा। संख्या आपका 40 है और औसत आपका 40 है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 1600 योग आएगा निकल के, यानी कि योग इसका हो गया 1600। आगे बोला गया है अगला संख्या भी 60 संख्या है, अगला संख्या 60 है, संख्या के सामने हम संख्या 60 लिख दिए, जिसका औसत 60 है, इसका भी हम योग निकाल लेते हैं। तो दोनों को सिर्फ आप गुना कर दीजिए, उसका योग निकल जाएगा तो 6 6 3600, ठीक है, यहां तक तो निकल गया। अब बोला गया है टोटल संख्या का, ये टोटल संख्या दिया हुआ है 100, उसका औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर होता है टोटल का योग, टोटल का योग, टोटल योग हो गया, इसे ऐड कर दीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, 6 6 6 6 12, 3 1 4 1 5, ये 5200 निकल के आया। औसत बराबर होता है टोटल का योग बटा टोटल संख्या, तो टोटल संख्या आपका 40 और 60 है, यानी कि ये टोटल 100 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी दे दिया है कि 100 संख्या, ठीक है, इसे मात्र आप सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये 52 आपका आंसर हो जाएगा। इस स्टेप पे एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसी टाइप का है जो मैंने अभी करवाया था, सिर्फ आपका मान चेंज कर दिए हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 30 संख्या का औसत 50 है तथा अगले 30 संख्या का औसत 40 है, तो पूरे संख्या का औसत क्या होगा। ऑप्शन है 25 30 45 और ये 40, तो बोलिए आंसर क्या होगा। चलिए मिलाइएगा, संख्या कितना दिया हुआ है, 30, जिसका औसत 50 है, ठीक है। आगे बोला है अगला 30 संख्या, फिर संख्या दिया हुआ है 30, जिसका औसत 40 है। यहां से पहले आप योग निकालिए, योग निकालने के लिए संख्या और औसत को गुणा कर दीजिएगा तो योग का मान निकल जाएगा, 5 3 15 और ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, योग हमारा निकल गया। और औसत क्या होता, पूरे का संख्या का औसत निकालना है, तो औसत बराबर पूरे का क्या होता, टोटल का योग बटा टोटल संख्या, तो इसको ऐड कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 0 0, ये 5 2 7, ये 2 2700 आ जाएगा बस टोटल संख्या। तो टोटल संख्या क्या है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, तो टोटल संख्या हो जाएगा 60। इसे काटिए और ये 6 से भाग पड़ेगा, तो 6 6 24 और ये 30 बचा, तो 6 5 45, हाँ 6 5 30, ये हो जाएगा 45 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये बोर्ड पे दिख रहा है जो इतना लंबा तो है सिर्फ डराने के लिए, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख के सिर्फ डर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर देखिए कैसे आएगा। इसका आंसर देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 4/3 आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। लेकिन इसमें कुछ जो ध्यान देने वाली बातें है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी पटना से दिल्ली चलती है, एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है जो पटना से दिल्ली चलता है, ठीक है, तथा दूसरी ओर से एक और ट्रेन है जो दिल्ली से खुलती है। एक ट्रेन आपका पटना से खुल रहा है, ठीक है, पटना से खुल रहा है, दिल्ली जाएगी, और फिर दिल्ली से खुल रहा है वो पटना आएगी, तो दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जिस स्पीड से चले, दोनों का चाल क्या है नहीं है उससे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे दोनों मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बोला है, पटना के लिए एक समय पर चलती है, तो मिलने के बाद, देखिए मिलने वाली बात आ गई, मिलने के बाद रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटा और 16 घंटा में अपने स्थान पे पहुंच जाता है, जिसको जहां जाना है वो अपना पहुंच जाता है। एक 9 घंटा का समय लगाता है और एक 16 घंटा का। अगर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें दो पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और एक फॉर्मूला हम बताएंगे उसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए अगर मिलने की बात की जाए, क्वेश्चन में अगर मिलने की बात की जाए और समय दिया हुआ हो, देख रहे हैं 9 घंटा और 16 घंटा समय दिया हुआ है। देखिए मिलने के बाद तथा समय दिया हो, ठीक है, मिलने की बात की जाए तथा समय दिया हुआ है, तो मिलने की बात कर रही है क्वेश्चन में, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, समय आपका 9 घंटा और 16 घंटा दे रहा है। तो आपसे पूछा गया क्या चाल का अनुपात पूछा गया है, तो चाल का अनुपात निकालने के लिए यस स्पीड होता है, तो इसे यस से डिनोट करते हैं, तो S1 पहला का चाल, S2 दूसरा के चाल, यानी कि ये हो जाएगा T2 बटा T1, ठीक है, ये यानी कि दूसरा का समय, ये पहला का समय। देखिए चाल का अनुपात पूछ रहा था, पहला का चाल बटा दूसरा का चाल, ये बटा को हम इस तरह फिर अनुपात में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए पहला समय कितना दिया हुआ है, पहला समय आपका दिया हुआ है 16:9, जब इसे तोड़िएगा तो 4:3 हो जाएगा, इसे आप 4/3 भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा।